में पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का मेला सजने को है तैयार। तैयार हो, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, फेक मेरा टीवी थे, बेबी लेजेंड्स में बजे थे इजी वे। बातों में आग से चलते रहेंगे, झूमेंगे वो भी जो घर पे रहेंगे, सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे, ये जश्न है। हाँ भाई पब्लिक, मजे आ रहे हैं? PSL जो चल रहा है, मजे ही मजे। फरवरी वो महीना है जिसमें सारी पाकिस्तानी आवाम खुश होती है, फिर चाहे वो डबल्स हो या सिंगल्स, क्योंकि 14 फरवरी को डबल्स डबल से ट्रिपल होने की बुनियाद डालते हैं, और जबकि सिंगल्स का सहारा होता है PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट। IBA वाला नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा इवेंट PSL अब शुरू हो चुका है। तो इस मौके पे आइए इसकी तारीख पे एक नज़र डालते हैं। सोलह से अब तक PSL के 5 सीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं और 6 सीजन अभी जारी है। ये पिछले 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए हैं, क्योंकि 2009 में जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान को गुड बाय बोल दिया था। इस केस में PSL ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने में काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जब PSL शुरू हुआ था तो इसमें 5 टीम्स कम्पीट करती थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर एंड क्वेटा। सीज़न 3 से एक न्यू टीम ऐड हुई जिसका नाम था मुल्तान। अब जब हम 6 सीज़न में दाखिल हो चुके हैं तो यहाँ पे 7th और 8th टीम की एंट्री बनती थी। इससे कंपटीशन हेल्दी होगा और PSL का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और हमें ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे। अब PSL की 5 साल हिस्ट्री उठाएं तो इसमें काफ़ी सारे नमूने हुए हैं जो एक यादगार बन गए हैं। वो बाबर और शादाब का जा सिमरन जा मोमेंट, वो बाबर के शाहीन को टपाक टपाक चौके, और वो डैरेन सिमी के सेल्फी मोमेंट्स हम कैसे भूल सकते हैं। मैं कहता हूँ PSL जो आज एक इतना बड़ा ब्रांड है, इसकी ब्रांडिंग और इसको ओन करने की जिम्मेदारी अगर किसी एक बंदे ने उठाई है तो वो है डैरेन सिमी। क्या कूल बंदा है यार, मतलब इसकी कैप्टनसी में जो टीम खेली है उसको इसने चैंपियन बनवाया है। फिर चाहे वो वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम हो जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीती, पिशावर जलमी और सेंट लूशिया, अगर ऐसा कैप्टन मिल जाए तो टीम चाहे हारे या जीते फाइट ज़रूर करती है। अब PSL में टीम्स कुछ इस तरह हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पिशावर, मुल्तान। अब PSL की बात करें तो इसमें 3 तरह के फैंस होते हैं, एक जो अपनी टीम के साथ साथ ओवरऑल सबको सपोर्ट करते हैं, दूसरे वो जिनको बस कराची को हेट देनी होती है, चाहे किसी का भी मैच हो उनको तो बस कराची को हारते हुए देखना है, और तीसरे वो जो सिटी वॉर्स पे उतर आते हैं, कमेंट्स में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। एज अ कराची फैन हम वो मैच कैसे भूल सकते हैं जब बैंक डन ने छक्के मार मार के कराची के बॉलर्स के साथ साथ हमारा भी बुरा हाल कर दिया था। वो कैच हम कैसे भुला सकते हैं जब लाला ने कैच लेकर पूरी दुनिया को बता दिया कि बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बस उम्र गुजर रही है। और ये मोमेंट जहां अहमद शहजाद वहाब रियाज को बोलने हैं कि बॉस मैंने आपको बोला क्या है। अब PSL में एक टीम ऐसी है जिसने अपने ही मुनफरिद रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो लोएस्ट टोटल का हो या हर सीजन लास्ट आने की रिवायत हो। जी हाँ, यहाँ बात लाहौर कलंदर्स की हो रही है। मतलब क्या टीम है यार, हर सीजन सबसे कच्चा प्लेयर यही उठाते हैं, फिर भी सबसे लास्ट में यही होते हैं। पिछले सीजन ये फाइनल तक तो आ गए थे लेकिन कराची ने इनका ट्रॉफी का ख्वाब पूरा ना होने दिया। इनकी टीम से बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं जैसे के क्रिस गेल, ABD Villiers, क्रिस लिन, ब्रेंडन मैकलम, लेकिन सब ने अपने करियर की वर्स्ट परफॉर्मेंसेस ही दी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लाहौर में सिर्फ गंजे ही चलते हैं।
वैसे सारी मनुष्यत जियो की ही है। मैं तो कह रहा हूँ जियो का लोगो हटाओ फिर देखो जादू। PSL ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान समेत पूरी दुनिया में यह पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान इतनी बैड इमेज के बावजूद आज एक वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड बन चुका है। उसकी वाजे वजह PSL है। PSL ने पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाया है और पाकिस्तान की इमेज को बहुत बेहतर किया है। देखते ही देखते PSL दुनिया की सेकेंड मेजर लीग बन गई है, जस्ट बिहाइंड IPL। अब IPL से कंपैरिजन बनता ही नहीं है क्योंकि IPL को शुरू हुए 13 साल हो चुके हैं जबकि PSL का 6 सीजन चल रहा है। अब PSL की खूबसूरती ही है कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल लाइक इट्स नेशनल टीम। जैसे कि पहले सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद लीस्ट फेवरेट बन गया था, फिर देखते ही देखते सबके ख्वाबों पे पानी फेरते हुए ट्रॉफी ले गया। अब इस हार जीत के दौर में ये मत भूल जाइएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए जीत तो पाकिस्तान की होगी, बाकी अपने रोले अपनी जगह है। अपने शहर को सपोर्ट करते करते अपने मुल्क को नहीं भूल जाएगा। हर PSL की तरह इस साल भी हर चौके छक्के के साथ खुशियां बांटें और हर गिरती विकेट के साथ साथ मजे उड़ाएं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। हैकर बॉयज आउट। Thank you.